Good morning, student. Decent mathematics class 5th. Now we look exercise 4.10. Question number 1. Estimate the product. प्रोडक्ट का एस्टिमेट करिए, एस्टिमेट करिए, प्रोडक्ट निकालिए, एस्टिमेट करके प्रोडक्ट बताइए। इसमें आपको बेटा क्या करना है, मल्टीप्लाई मल्टीपल है, मल्टीप्लाई है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। बट बेटा इसमें ये नहीं देखना है कि हमको नियरेस्ट टेंस निकालना है कि नियरेस्ट 100 निकालना है कि नियरेस्ट 1000 निकालना, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसमें क्या देखना, जो संख्या रहेगी जितने उसी का समझे उसका उतना नियरेस्ट निकालना। आई मीन 3 डिजिट की संख्या, तो इसका क्या निकलेगा, नियरेस्ट 100 निकलेगा। ये कितने डिजिट की संख्या है, 10 डिजिट की संख्या है। आई मीन 10 प्लस की डिजिट है, आई मीन 2 डिजिट की संख्या है, तो इसका हमको क्या निकालना है, ये 2 डिजिट की संख्या, इसका मतलब इसका हमें नियरेस्ट 10 निकालना है। यहाँ पर भी 3 डिजिट की संख्या है, तो इसके मतलब इसका हमको क्या निकालना, नियरेस्ट 100। और यहाँ कितने डिजिट की संख्या, 2 डिजिट की संख्या, तो इसका मतलब इसका क्या निकालना, नियरेस्ट 10 निकालना है। यहाँ पर भी नियरेस्ट 100 निकालना और इसका एस्टिमेट क्या निकालना है, नियरेस्ट 10 निकालना है। बट यहाँ बेटा 3 डिजिट की संख्या यहाँ पर भी है, 3 डिजिट की संख्या यहाँ पर भी है, तो दोनों में वही चीज़ हमको यहाँ पर भी देखना है। इसका भी नियरेस्ट 100 निकालना है, इसका भी नियरेस्ट 100 निकालना है। यहाँ पर भी इसका नियरेस्ट 100 निकालना है, इसका भी नियरेस्ट 100 निकालना है, क्योंकि ये सब कितने डिजिट की संख्या है, 3 डिजिट की संख्या है। इसका भी नियरेस्ट 100 निकालना, नियरेस्ट 100 निकालना और इसका भी नियरेस्ट 100 निकालना। अब चलिए बेटा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 4.10। चलिए बेटा एस्टिमेट द प्रोडक्ट है। ए 113 मल्टीप्लाई 78। अब हमें इसका क्या देखना है, नियर समझिए, ये 3 डिजिट है तो इसका क्या निकलना, नियरेस्ट 100। और ये 2 डिजिट है तो इसका क्या निकलना, नियरेस्ट 10। अभी बताइए नियरेस्ट 100 निकालना, तो मतलब इसमें परिवर्तन करना होगा, लेकिन उसके आगे की संख्या देखेंगे कि वो 5 से अबव है कि लेस, तो 1 आपका 5 से लेस है, इसके मतलब 1 वैसे ही राइट कर लेंगे, तो 1 राइट कर लिए। अब इसके आगे 2 डिजिट है तो 20 लगा दिए, तो ये हो जाएगा 100। मल्टीप्लाई का सिंबल है, मल्टीप्लाई लगाइए। फिर अब 78 है, इस अब बताइए बेटा 8 आपका 5 से अबव है, इसके मतलब इस 7 में 1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये जाएगा 8, तो 8 आप राइट के लिए, इसके आगे 1 डिजिट की संख्या है तो 10 लगा देंगे। आई मीन 100 मल्टीप्लाई 80। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, तो 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0 0 8 0 0 8 1 8। अब इसको ऐड कर लीजिए 0 0 0 8, आई मीन 100 मल्टीप्लाई 80 इजकल टू कितना आ जाएगा, 8000। ओके, फिर देखिए 219 मल्टीप्लाई 52, इसका नियरेस्ट 100 निकालना और इसका नियरेस्ट 10 निकालना है, तो 1 आपका 5 से लेस है, इसके मतलब ये 200 ही होगा, 2 ऐसे राइट करेंगे, इसके आगे 2 डिजिट है तो 20 लग जाए, 200 हो जाएगा। मल्टीप्लाई का सिंबल, मल्टीप्लाई लगाइए। अब ये भी 2 5 से लेस है, इसके मतलब 5 5 ही रहेगा, और इसके आगे 1 डिजिट की संख्या 10 लगा देंगे, तो 200 मल्टीप्लाई 50। मल्टीप्लाई करिए बेटा, 0 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
561 मल्टीप्लाई 69। अब ये 6 आपका 5 से अबव है, इसके मतलब इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये जाएगा 6 और 2 डिजिट है, 2 जीरो लग जाएंगे, तो 600 मल्टीप्लाई, ये 9 आपका 5 से अबव है, इसके मतलब इस 6 में 1 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 1 डिजिट की संख्या 10 लगा देंगे, तो 7070, तो 600 मल्टीप्लाई 70, इसका 2 मल्टीप्लाई करिए, 0 0 जा 0 0 0 जा 0 0 6 जा 0 7 0 जा 0 7 0 जा 0 7 6 जा 42। अब इनको ऐड करिए 0 0 0 2 4, आई मीन 600 में 70 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, 42,000, दिस इज योर आंसर। देखिए बेटा, ए बी सी आपको बताया गया, डी ई एफ आपका एच डब्ल्यू है, तो एच डब्ल्यू की कॉपी में इन सारे क्वेश्चन को नहीं करना है, बल्कि एक रफ कॉपी में आप इनको रिवाइज कर लीजिए और कंप्लीट करिए, तब आपको पता चल जाएगा कि क्या है। ओके, तो कंप्लीट योर असाइनमेंट, दैट्स ऑल।